हे गाइस व्हाट्सअप, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपके समझ। आखिर में ये खीरा कड़वा क्यों लगता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है और साथ ही साथ इस खीरे से हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है और इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हमें इसको राउंड राउंड जो है मूव करना पड़ता है। आइए उन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कि उसका पौधे का जो डंठल होता है, बेल होता है, उसकी क्या सकते हैं तना, उसमें जो एक खास टाइप का केमिकल होता है जिससे हम लोग टूटर बीटासिन कहते हैं। उस टूटर बीटासिन के इसके अंदर प्रवेश कर जाने की वजह से इसका स्वाद कड़वाहट में बदल जाता है। ओके, इसके अंदर टूटर बीटासिन जो इस खीरे के पौधे में पाए जाते हैं वहाँ से इसके अंदर इंटर कर जाता है। ओके, तो इसका रीजन क्या होता है कि वो इंटर कर जाता है, क्या उसे इंटर करना चाहिए या फिर कहाँ रहना चाहिए। ओके, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो आइए जानते हैं इसका रीजन क्या होता है, आखिर में इसके अंदर प्रवेश क्यों कर जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसको। इसके अंदर कूटर बीटासिन के इंटर करने का वजह ये होता है कि जब भी कोई खीरे का पौधा हो और वहाँ पर खीरा लगा हुआ हो तो उससे अगर लंबे समय तक न तोड़ा जाए तो उसके अंदर वो टूटर बीटासिन इंटर कर जाता है जिसकी वजह से हमें कड़वाहट नज़र आने लगता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसके पौधे को लगाया है तो अगर उसे भरपूर पानी नहीं मिला तो फिर भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकता है। अगर उस पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलेगा फिर भी ऐसी समस्या हमें देखने को मिल सकता है। मतलब तीन रीज़न मैंने बताया, पहला क्या था, लंबे समय तक न तोड़ना, दूसरा पानी की कमी, तीसरा धूप का न मिलना। ओके, तो क्या आपने कभी टूटर बीटासिन देखा है? नहीं देखा है तो आइए जानते हैं वो कैसा दिखाई देता है। तो हमें इसके इस वाले पार्ट को, ओके, जहाँ पर डंठल लगा रहता है इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इधर से कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कट किया जाता है। कट करने के बाद अब इसी वाले पार्ट को ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाने से इसके अंदर जो टूटर बीटासिन गया है वो हमारा बाहर आने लगता है। ओके, तो अब यहाँ पर ये समस्या होती है, ये भी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आखिर में इसको राउंड राउंड करने से ही क्यों बाहर आता है। ओके, तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि राउंड राउंड करने से यहाँ के जो लिक्विड पार्ट है वो बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर उस पार्ट की कमी होगी, वाटर की कमी होगी, वाटर का अंदर से खिंचाव होगा। ओके, मतलब उस केमिकल का अंदर से बाहर की तरफ खिंचाव होगा, क्योंकि जिस तरह से चापाकल में आपने देखा होगा वहाँ पर जो टंकी होता है उस टंकी में के पानी को बाहर निकालने पर वहाँ पर पानी कहाँ से आता है, अंदर से उसे अपने आप खींचा जाता है। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं प्रेशर। ओके, मतलब यहाँ पर भी इस तरह से करने पर यहाँ के बाहर वाले ऊपरी वाले सरफेस के जो टूटर बीटासिन है बाहर आने लगते हैं और साथ ही साथ जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो अंदर वाले पार्ट भी रिसने लगता है, मतलब वो बाहर की तरफ आने लगता है। ओके, तो अब आप यहाँ पर टूटर बीटासिन को आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा वाइट आपको नज़र आने लगा है। ओके, तो ये है हमारा टूटर बीटासिन। तो खीरे को अच्छे से स्वाद लेकर खाने के लिए हम लोग करते क्या है, उसको इसी प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। ओके, इधर हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर उसकी पहुंच काफ़ी कम रहती है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इधर वाले पार्ट के कलर जो काफ़ी डीप है लेकिन इस वाले पार्ट में काफ़ी हल्का है। ओके, तो रीज़न उसका वही होता है, टूटर बीटासिन। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में क्या कि इससे हमें लाभ क्या क्या है। पहला लाभ ये कि इसमें 95% वाटर होता है और 5% फाइबर होता है। ठीक है, और इससे खाने से हमारे क्या कोई रोग वगैरह ठीक होते हैं या हमारे स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी ये आंसर है, इसका जवाब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कब्ज हो, एसिडिटी हो या सीने में जलन हो तो खीरे के सेवन से इस तरह की समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े समारोहों में या फिर प्रत्येक घर वगैरह में खीरे का सलाद अवश्य लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे खाने का एक पार्ट होता है। या फिर गर्मी के मौसम में आप इसे लोगों को खाते हुए देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी और कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आपको प्राप्त करता है, तो हमें इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा है क्या, टूटर बीटासिन, ये वाइट टाइप का, ये है हमारा आपका क्या, ये एक तरह का क्या कह सकते हैं, केमिकल कह सकते हैं। ठीक है, जो इस खीरे के पौधे में पाया जाता है और उसको यहाँ से निकाला गया। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पर किया, दूसरे पार्ट में देखिए तो ज़रा यहाँ पर क्या होता है, क्या इस वाले पार्ट में भी मौजूद है? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर वाले पार्ट में हमारे पास है टूटा बीटा सीन, ठीक है, इस तरह से ये बाहर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे आखिर में ये होता क्या है, क्यों ये बाहर निकलता है। तो सोचा आप क्या है, प्रेशर की वजह से बाहर वाला पार्ट से जब ये किनारे किनारे साइड में आ जाता है तो वहाँ पर तो होना चाहिए, इसलिए अंदर से वो रिश्ते हुए बाहर आता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया होगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए दमदार टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो आप अवश्य कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।